भगवान 16108 विवाह किए तो भगवान 16108 रूप लेकर के रूप धारण करके सबके साथ रहते, किसी को कोई सिकवा गिला नहीं था। और तुम दुईठ कर लोगे तो कभी उसके पास कभी उसके पास तो कभी पिटाई हो लगे तुम्हारी, लेकिन भगवान सबके साथ। कोई भी ये नहीं कह सकती थी कि इस समय हमारे पास भगवान नहीं थे, क्योंकि भगवान सामर्थ्यवान 16108 रूप ग्रहण करके और भगवान सबके साथ रहते हैं। तो ये 16100 जो विवाह भगवान किए, ये नरकासुर एक भौमासुर राक्षस था उसके कब्जे में ये 16100 कन्याएं कैद थी। जब भगवान इनको कैद से मुक्त कराए तो ये सब अपने अपने घर गए। इनके माता पिता नहीं रहे, भाई बंधु नहीं रहे। बोले तुम इतना दिन किसी दूसरे के पास रह करके आई हो, तुमसे कौन शादी करेगा, कौन विवाह करेगा, हमारे घर आओगी तो हमारी भी इज्जत चली जाएगी। इसीलिए लड़का चाहे चार ठो शादी कर ले, चार ठो छोड़ दे शादी कर, फिर भी लड़के का शादी हो जाता है, लेकिन लड़की का एक बार अगर जीवन बेकार हो गया तो फिर उसका जीवन बहुत संकट में आ जाता है। इसलिए हमारी बहन बेटियों को बहुत सावधान रहना चाहिए, बहुत सावधान और बहुत सतर्कता से रहना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा जीवन बिगड़ गया। इसीलिए तो आजकल लड़कियां लड़कों का बराबरी कर कर कि हम लड़कों के जैसे रहें, लड़कों को सब छूट है तो हमको भी छूट हो, तुम्हारे लिए भी छूट है। दिन भर में चार बार घर में झाड़ू लगाओ कोई नहीं बोलेगा, पांच बार बर्तन साफ करो कोई नहीं बोलेगा, तीन टाइम खाना बना करके खिलाओ कोई नहीं बोलेगा, कोई रोक टोक नहीं, कोई मना ही नहीं, कोई मना करेगा। कोई मना नहीं करेगा। इसलिए हमें बहुत दायरे में और बहुत संभल करके हमको जीवन यापन करना है, नहीं तो जीवन बर्बाद जिस दिन हो जाएगा उस दिन कोई सामने दिखेगा नहीं। लेकिन आजकल तो पूछो मत, शहर में तो था ही, गांव की लड़कियां भी जींस का पैंट और टी शर्ट पहन रही हैं। तो अगर हम फूल बाजू का पहन सकते हैं और हम पटका लेकर के बैठ सकते हैं तो क्या मेरी बहन आप नहीं ले सकती, बताओ बताओ, आपको लेके चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। और हमारे सोच के अनुसार ही हमारे चारों तरफ लोग होते हैं, क्योंकि जब हम कपड़ा पहनते हैं यही सोच करके पहनते हैं कि मैं देखने में कैसी लगूं। जब दिखाने के लिए ही पहन रही हो तो कोई देख रहा है तो काहे दिक्कत हो रही है, फिर तो समस्या नहीं होनी चाहिए ना। जैसी आपकी सोच है आपके आसपास का इन्वायरमेंट वैसा ही आपको मिलेगा। ध्यान देना, ये समाज आपका आईना है, ये समाज आपका आईना है। जैसे आप रहोगे वैसे ही लोग आपको, वैसे ही लोग दिखाने के भाव से घर से निकलोगे तो लोग देखेंगे ही देखेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ, हमारी बातें आपको बुरी लग सकती है तो लगेगी भी तो हमारा क्या बिगाड़ लोगे, हम तो कल दोपहर में निकल जाएंगे। अभी चलेंगे कथा करके सो जाएंगे, सुबह निकलेंगे, निकल लेंगे अपना गाड़ी पकड़ेंगे, फिर खोजते रहना फिर कि बोलने वाला कहां गया। लेकिन फिर भी ये तो मजाक की बात है, लेकिन हम जरूर निवेदन करेंगे कि देखो इसमें बेटियों का भी दोष नहीं है, उनके माँ बाप का दोष है, उनके माँ बाप को संभालना चाहिए। बेटी तो भाई कपड़ा खरीदने जाती है, माँ बाप ही जाते हैं खरीदने के लिए, तो माँ बाप को समझना चाहिए कि हमारी बेटी के लिए कौन सा कपड़ा अच्छा रहेगा, कम से कम पूरा तन ढका हो ऐसा कपड़ा हमको पहनना चाहिए और ज्यादा अंग प्रदर्शन हमको नहीं करना चाहिए। इसी में हम बर्बाद हो रहे हैं कि अंग प्रदर्शन करना, तो थोड़ा सा हमको बचना चाहिए। इसीलिए
16,100 कन्याएं घर गईं, लेकिन उनके माँ बाप नहीं रखे। क्यों? इतना दिन दूसरे के पास रह करके आई हो, दूसरे के कैद में रह के आई हो, कौन तुमसे विवाह करेगा? कौन विवाह करेगा तुमसे? हमारी भी इज्जत चली जाएगी, हम तुमको नहीं रखेंगे। सब चली गई, सब चली गई। कहाँ गई? प्रभु के चरण। बोले प्रभु अभी संसार में आपको छोड़ करके अब हमारा कोई नहीं है, अब आप ही स्वीकार करें तो करें। प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने, अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। इसलिए सब मिलकर के प्रभु के चरणों में गई, प्रभु के चरणों में गिर करके कहती प्रभु अब आपके सिवा मेरा कोई नहीं, केवल आप, अब आप ही हमारा उद्धार करिए। भगवान सबको एक ही बार में स्वीकार किए और 16,100 महल बनवा करके, 16,100 मंडप में एक ही मुहूर्त में भगवान खड़े होकर के सबके साथ प्राणी पानी ग्रहण करके भगवान सबको स्वीकार कर लिया, सबको स्वीकार कर लिया। इसलिए इस संसार में जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता, और हम भगवान की शरण में जाते भी तभी हैं जब हमारा कोई नहीं बचता, तब जब हमारा कोई साथ नहीं देता तब हम भगवान की शरण में जाते हैं। जब तक अपना कोई कहने वाला रहता है, कहने वाला रहता है, तब तक हम भगवान को न मानते हैं न भगवान की शरण में जाते हैं।